प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में उपस्थित होकर प्रभु की महिमा कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि हम तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी इस अंत के दिनों में जब हम चल रहे हैं, भविष्यवाणियों को पूरा होते देख रहे हैं, बाइबल की बातें सच्ची हो रही हैं, प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा। हम इसराइलियों के लिए भी विनती प्रार्थना करते हैं, उनकी सहायता कर, क्योंकि तू यहोवा है, तू अपने लोगों को नहीं छोड़ता और तू उनकी तरफ से युद्ध लड़ता। हम धन्यवाद देते हैं भाई अनुपम जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, जो उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ सके। प्रभु जी उन्हें आशीषित करें, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें और जो भी कार्य हम करें वो तुझे भाता रहे। प्रभु जी आज के टॉपिक को समझने में हम सबों की अगुवाई कर, ताकि प्रभु जी हमारे हृदयों को, मनों को, दिलों को, बुद्धि को खोल दीजिए, ताकि हम तेरी गुण बातों को ठीक ठीक समझ सके। प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा मैंने आपको कहा था, मैं गोग और मागोग के ऊपर आपको बोलूंगा। पिछले सप्ताह में बाहर गया हुआ था, कुछ बहुत अर्जेंट काम था, इसलिए क्षमा चाहूंगा कि मैं आपके बीच में नहीं था, लेकिन ये मौका मिला तो आप जल्दी से निकाल लीजिए। पहला इतिहास उसका 5 अध्याय और उसका 4 पद इस प्रकार लिखा हुआ है, योएल का पुत्र शमाया, शमाया का गोग और गोग का शिमी। एक तो यहां पर गोग शब्द आया है, फिर आप निकाल लीजिए यहेजकेल की पुस्तक उसका 38 अध्याय और 3रा पद, और ये क्या है, गोग है रोश मेशेक और तूबल के प्रधान परमेश्वर यहोवा यूं कहता। फिर आप प्रकाशित वाक उसका 20 अध्याय और उसका 8 पद, वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी अथा गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा का लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अब ये बातें आप अपने ध्यान में रखिएगा और यहेजकेल 38 और 39 को अपने ध्यान में लिखिएगा। और आज का विषय है परमेश्वर की विश्व विजय, गोग के विरुद्ध वचन, मागोग। यदि आप 39 यहेजकेल और 38 और 39 अध्याय को यदि आप पढ़े तो आपको गोग और मागोग की जानकारी होगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ इंट्रोडक्शन इस प्रकार से देना चाहता। उर्दू में इसे यजुज व मजुज, ये अरबी भाषा का वर्ड है, यजुज और मजुज। ये बाइबल और कुरान दोनों में दिखाई देता, जो अलग अलग व्यक्तियों, जनजातियों या भूमि से संबंधित बातें कही गई हैं, जो यहेजकेल 38 में गोग एक व्यक्ति और मागोग उसकी भूमि। यदि आप प्रकाशित वाक
उसका 20 अध्याय 8 पद यदि आप पढ़े तो यहूदी परंपरा ने बहुत पहले ही यहिज्केल के गोग फार्म वा फ्रॉम मागोग को गोग और मागोग में बदल दिया था। अब भविष्यवाणी गोग की भविष्यवाणी यानी दिनों का अंत कहे जाने वाले समय पर पूरी होने वाली, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा दुनिया का अंत हो, ऐसा कई ग्रंथ कहते हैं बाइबल को छोड़कर। यहूदी युगांतर शास्त्र ने गोग और मागोग को मसीहा द्वारा पराजित होने वाले शत्रु के रूप में देखा और जो मसीहा के युग की शुरुआत करेगा यानी 1000 साल जो हम राज करेंगे। क्रिश्चियन रिलीजियस के भीतर एक दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट रूप से शक्तिशाली है जो गोग और मागोग को बनाता। यहां व्यक्तियों के बजाय राष्ट्रों को या देशों को इंगित किया गया। इस बात को हम ध्यान में रखें, ईश्वर के खिलाफ शैतान के सहयोगी, या मैं ऐसे कह लूं गोग और मागोग को ईश्वर के खिलाफ शैतान के सहयोगी। रोमन काल के समय तक गोग और मागोग के साथ एक किस्सा या कथा जुड़ा हुआ था कि सिकंदर के द्वारा जनजाति के को हटाने के लिए सिकंदर महान द्वारा गोग और मागोग बनाए गए थे। रोमीकृत यहूदी इतिहासकार जोसिफस उन्हें जानता था क्योंकि ये राष्ट्र उत्पत्ति के अनुसार जेफेट मोगाग के वंश के थे और उन्होंने सिथिनियन बताया था। आरंभिक ईसाई लेखकों के हाथों में वे सर्वनाशकारी भीड़ बन गए थे। पूरे मध्य युग में उन्हें वाइकिंग्स, हूणों, खंजरों, मंगोलों, तरानियों या अन्य खानाबदोश, यहां तक कि इसराइल की 10 खोई हुई जातियों के रूप में पहचाना गया, गोग और मागोग। लेकिन बाइबल क्या कहती है? हम बाइबल की तरफ बढ़ते हैं। यहिज्केल 38 और 39 अध्याय में परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके देश में पुनः बसाया। इस समय के बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों के बीतने पर पद 28-38 यहिज्केल 38 के 8 और 16 में पद में अंत के दिनों में पद में लिखा हुआ है वे गोग के नेतृत्व में बड़ी सेना द्वारा उत्तर दिशा से आक्रमण का सामना करेंगे, परंतु परमेश्वर स्वयं बड़े भयंकर रूप से आक्रमण का प्रतिकार करेगा और गोग को नष्ट करेगा। गोग इन अध्यायों में यहिज्केल नबी कुछ काल पूर्व कही गई भविष्यवाणियों का सहारा लेते। ये भविष्यवाणियां उत्तर दिशा से आने वाले शत्रु के विषय में हैं। यर्मिया 4:5-6 पद और 26 पढ़ लीजिए। जो कुछ नबी यहिज्केल कह रहे हैं उसका शब्दार्थ लगाना उस हिसाब से उचित नहीं है जैसा अन्य जाति लोग समझते। इन अध्यायों में कथा जिसमें वर्णन है कि मानव इतिहास के अंत में क्या कुछ घटेगा, क्या कुछ भविष्यवाणियां पूरी होंगी, ये हमें देखना जरूरी है। शत्रु इसराइली लोगों पर उस समय हमला करता है जब वे प्रतिज्ञा के देश में लौट आए
जैसा अभी आप देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, शत्रुओं ने हमला किया और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे, वो पूरा एरिया सुरक्षित है इसराइलियों का। इन अध्यायों के संवाद यह है कि मनुष्य का जीवन कितना भी सुरक्षित और शांतिपूर्ण क्यों ना जान पड़े, तब भी बुराई की शक्तियां विद्यमान रहती। जो मनुष्य की सामर्थ्य से परे, इन दो अध्यायों में यहेजकेल 38 और 39 में 7 वचन है जो इस सूत्र के आरंभ में होते हैं। स्वामी प्रभु यो कहता है, ये 7 वचन 38 अध्याय 3-9 पद, 10 अध्याय 13 पद, 38 अध्याय 14-16 पद, 38 अध्याय 17-23 पद, 39 अध्याय 1-16 पद, 39 अध्याय 17-24 पद और 39 अध्याय 25-39 पद। ये 7 वचन गोग और मागोग के बारे में बताते, इन वचनों का वर्णन है मेशेक, यदि आप बाइबल पढ़े, तूबल, नगर राज्यों का प्रधान लोग उत्तर दिशा से अपनी विशाल सेनाओं सहित यहूदी या यहूदा प्रदेश के लोगों को नष्ट करने के लिए आक्रमण करेगा, जो शांतिपूर्वक अपने पुनः देश में बस गए। परमेश्वर आक्रमणकारियों की लाशें बिछा देगा और इस प्रकार अपनी पवित्रता प्रमाणित करेगा, कौन? यहोवा। आक्रमणकारियों के शव पहाड़ों पर, इसराइल के पहाड़ों पर पड़े रहेंगे, उनमें हमोन गोगा की घाटी में दफनाने में कई महीने लगेंगे और हथियारों को जलाने में कई महीने लगेंगे। लेकिन जो बात मैं यहां बताना चाह रहा हूं वो है कि परमेश्वर सब राष्ट्रों में अपनी महिमा प्रकट करेगा और वे उसके न्यायपूर्ण कार्यों को देखेंगे। इसराइलियों को दंड उनकी अशुद्धता और अपराध के कारण था। परमेश्वर ने उनके बैरियों के हाथ में दिया और बैरियों ने उनको मारा, ये परमेश्वर की तरफ से था क्योंकि वो पापी हो गए थे। और लिखा है परमेश्वर ने उनके बैरियों को उनके हाथ में कर दिया, वे बैरियों के द्वारा मारे गए। इसका अर्थ यह है, ये नहीं था कि बैरियों ने ईश्वर इसराइलियों के परमेश्वर से अधिक बलवान उनके ईश्वर थे, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने उनको हाथ में पड़ने दिया। देखिए इसराइली सीमा आयरन डोम, बीम डोम और चारों तरफ हाई टेक्नोलॉजी से घिरी हुई थी, लेकिन उनके पाप के कारण बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको ऐसा कर दिया। इसराइली कौम, या मैं यूं कहूं परमेश्वर के राष्ट्र के लोग, या ईश्वर को दंड उनकी अशुद्धता और अपराध के कारण दे रहा था। आज परमेश्वर हमें और आपको भी दंडित करता है, कलीसिया को भी करता है, यदि वो पाप के कारण परमेश्वर की पवित्रता को खो देते। इसराइली कौम की पुनर्स्थापना और उसका भव्य वर्णन 39वें अध्याय उसके 25-29 पद में है। ना केवल वे अपने देश में लौटेंगे, ना केवल अपने देश में स्वतंत्र और समृद्ध होंगे, वरन परमेश्वर इसराइल के वंशजों पर अपना आत्मा उंडेलेगा और फिर कभी उनमें अब उनसे अपना मुंह न मोड़ेगा। उनको ज्ञात होगा कि मैं ही प्रभु परमेश्वर यहोवा। प्रियो,
गोग और महागोग के बारे में, युद्ध या अंतिम दिनों के बारे में यर्मिया ने भी भविष्यवाणी की, योएल ने भी भविष्यवाणी की, दानियल ने भी भविष्यवाणी की, आमोस ने भी भविष्यवाणी की, सपन्या ने भी भविष्यवाणी की और जकरिया ने भी, और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य यानी यहोन्ना ने भी भविष्यवाणी। यदि आप चाहें तो मैं पद दे सकता हूं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। यर्मिया 4:5-6, 26, योएल 2:20, 28-32, आमोस 5:8-20, सपन्या 1:14-18, यशाया 29:5-8, 66:15 और जकरिया 12:1-9, 14:1-15। ये भविष्यवाणियां गोग और मागोग के बारे में बताई गई। स्वर्ग युग, लेकिन जब हम इन मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप की सामरिक शक्तियों की ओर संकेत देते हैं ये दो अध्याय और ये भविष्यवाणियां, जिसका प्रधान रोष आज की भाषा में रूस कहा जाए, आगे मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मेशेक और तूबल, ये मास्को और टोरोतस्क है। स्टडी करने से ऐसा पता लगता है नबी यहेजकेल के ये दोनों अध्याय 25 से 32 के बीच में जो अध्याय है इस युग की परिचित जातियों से संबंधित, इनका ना तो उन जातियों से संबंध है जो प्रभु परमेश्वर से दूर है, ना उनमें उसका कोई संबंध है जो इसराइली जाति से नहीं है। इसका संबंध अंधकार की मिथक शक्तियों से, इसी प्रकार के चरमोत्कर्ष संबंध संघर्ष का वर्णन प्रकाशित वाक 16:14-20:7-10 और कुछ अर्ध प्रकाशात्मक साहित्य है जहां इस संघर्ष को ज्योति की संतान और अंधकार की संतान के बीच में बताया गया। इसराइली लोगों पर उत्तर की शक्तियों के सम्मिलित बल का उस समय आक्रमण होगा जब वे प्रतिज्ञा के देश में चैन और आराम से रह रहे होंगे, और ये आज भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और लिखा है भौतिक वातावरण की गंदगी, अणु शस्त्रों के खतरों, पर्यावरण का विनाश, आतंकवाद आदि से जब इस्राएल घिरा होगा, फिर भी परमेश्वर सब कुछ अपनी सर्वशक्तिमान के अधीन में रखता। अभी हम सोच रहे हैं तीसरा वर्ल्ड युद्ध चालू हो जाएगा, हम सोच रहे हैं यह हो जाएगा, हम सोच रहे हैं वो हो जाएगा। यदि आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपको करीब 5 या 6 चीजों के बारे में बताना चाहता हूं जो बाइबल गोग और मागोग के लिए कहती है, और इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला वचन या पहली बात, गोग को आदेश दिया, 38:1-9, गोग को लूदिया का राजा गार्गेस माना गया, जो राजा अशूर वनीपाल के अभिलेखों में गुग कहा गया, उसे तेल अबीब अमरना पत्रों में उल्लेखित गगैया नामक स्थान से संबंधित किया गया। रास समरालेखों में गागा नाम एक देवते का उल्लेख है जिसे गोग माना गया। प्रियो, मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं, नहीं तो आप परमेश्वर की भविष्यवाणी को नहीं समझ पाएंगे। कुछ टीकाकारों ने गोग को सिकंदर महान के सादृश एक इतिहासकार
पात्र माना। और जो पहला सुझाव दिया है कि गोग लूदिया राजा गाइगेस था, यह सर्वाधिक मान हो सकता, पर इसका प्रतिकार लेना सरल, अर्थात गोग स्पष्टता की शक्तियों का वो प्रधान है जो परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने का इरादा रखता। मागोग का उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10:2 दूसरा पहला इतिहास 1:5 में हुआ। वहां वो याफत का पुत्र है और एक जाति का पूर्वज है, नू का पूर्वज है, बेटा है, ऐसा माना गया। प्रकाशित वाक 20:8 में लिखा है, मैं मागोग के साथ एक व्यक्ति माना गया है। यहां नबी यहेजकेल 38:2 में मागोग का वो देश जहां गोग रहता, वो राक्षी सेना का नेता है, ऐसा लोगों का अनुमान है, ऐसा थियोलॉजियन समझते हैं। गोग के अधिकार में अनेक देशों की विशाल सेना है। यहेजकेल 38:2-6 में उसके नाम दिए गए और वो ये है, सुनिए ध्यान से, रोश, मेशेक, तूबल, मागोग। मेशेल और तूबल का उल्लेख उत्पत्ति 10:2 में हुआ, पहला अध्यास 1:5 में हुआ। गोग के साथ फारस, कूश, पूत की सेनाएं होंगी, यानी फारस, कूश और पूत देशों से हम पहले परिचित हो चुके हैं, मैंने पहले संदेश में भी आपको बताया था। गोग के अधीन गोमेर, उत्पत्ति 10:2-3 देख सकते हैं, पहला इतिहास 1:6 देख सकते हैं, और तोमरगा, ये उत्पत्ति 10:3, पहला इतिहास 1:6, और अन्य स्थानों एवं कुलों की सेनाएं होंगी जो इसराइल पर चढ़ाई करेंगी, जो इसके अंडर में होंगी। यहेजकेल 38:7 में गोग को आह्वान दिया गया है कि वो अपनी सेनाओं को तैयार रखे, पदार्थ में तेरी सुधि ली जाएगी, इसका अर्थ है तुझे बुलाया जाएगा कि इसराइली लोगों पर आक्रमण करे। 5 दिनों के बीतने का अर्थ है अंत के दिनों में, पद 16:38 के त्रद में कहता है, तू इसराइल निडर होंगे, वे बेबीलोन द्वारा इसराइलियों के विनाश और बंधुआई के पश्चात इसराइलियों को अपने देश में लौटा ले आएगा, उसके बाद ये आक्रमण करेंगे, क्योंकि उस पर इतनी विशाल सेना होगी गोग के पास कि वो विशाल सेना परमेश्वर की सत्ता के अधीन है और परमेश्वर उसे अभिप्रायों को सिद्ध करने के लिए काम में लाएगा। पद 3 और 4 पढ़ लीजिएगा। अब दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो है 38:10-13 में। इन पदों में गोग के कुचक्रों की कुटिलता और इसराइल की शांति पूर्वक एवं आरक्षित स्थिति का वर्णन है। यद्यपि गोग ये मानता है कि वह अपने मन से कार्य कर रहा है, परंतु वास्तविक बात बाइबल कहती है कि वह परमेश्वर के अधीन। परमेश्वर यह भी जानता है कि गोग के मन में क्या विचार उठ रहे हैं। पद 10:38-12, पृथ्वी की नाभि यरूशलेम नगर को यहूदी लोग पृथ्वी का केंद्र मानते थे। फिर सुन लिए, पृथ्वी का केंद्र यरूशलेम नगर को यहूदी मानते थे, इसलिए यरूशलेम मानव के लिए परमेश्वर के अभिप्रायों का केंद्र बन गया। पद 5:5 में, 38:13 में सभा, ददान, तर्शीश,
और 27 अध्याय के 12 पद और 20 और 22 पद में जब जवान सिंहों NEB में अनुवाद से प्रधान व्यापारी कहा गया, यानी ये सब परमेश्वर की योजना के तहत हो रहा है। हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, इसराइल सोच रहा है मैं कर रहा हूं, दूसरे देश सोच रहे हैं मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सब परमेश्वर की योजना में। तीसरी बात, 38 अध्याय के 14 से 16 पद में ऐसा बताया गया है, परमेश्वर गोग के मध्य में या मध्य से अपनी पवित्रता प्रकट करेगा, जिससे सब लोग पहचान लेंगे कि केवल वो ही परमेश्वर है। यानी वो गोग और मागोग जो नाम दिए गए हैं, मागोग जो एक स्थान है, गोग जो उसका प्रधान है, वो जानेगा कि हमारा यहोवा कितना पवित्र है। चौथी बात, 38वें अध्याय, यानी मैं यहेजकेल के 38वें अध्याय में चल रहा, 17 से 23 पद में नबी यहेजकेल के कथन का अर्थ यह है कि गोग आक्रमण में ईसा पूर्व 8वीं और 24वीं सदी के उन वचनों की पूर्ति होगी जिनमें उस काल के नबियों ने नबूवत की थी। यानी ईसा पूर्व 8वीं और 4वीं सदी में जो भविष्यवाणियां की गई वो आज पूरी हो रही। 18 पद में लिखा, जिस दिन गोग आक्रमण करेगा उसी दिन परमेश्वर उसकी और उसकी सेना को नष्ट करेगा। भूकंप, 19वें पद में, भूकंप फलिस्तीन देश में बहुत आया करते थे और फिर आज के दिनों में बहुत बढ़ गए थे, पहले 6-7 आ जाते थे, अब 50-60 से ऊपर निकल गए हैं। और परमेश्वर के आगमन के द्वारा ये सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने कहा था, जब तुम भूडोल देखो, लड़ाइयों की चर्चा सुनो, तो जान लेना मेरा आना निकट है, अंत के समय में हम प्रवेश कर चुके हैं। और 20वें पद में लिखा है कि परमेश्वर के समय, आगमन के समय समस्त प्रकृति कंपित होगी, यानी कांपेगी। और 21वें पद में है, गोग के लोग कांपेंगे, तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा, यानी पहाड़ से जो व्यक्ति वहां है, ईश्वर के लोग, वो पुकारे जाएंगे। इंग्लिश बाइबल को यदि हम पढ़ें तो उसमें अनुवाद इस प्रकार है, न्यू इंग्लिश बाइबल में, मैं गोग के विरुद्ध विश्वसनीय आतंक उभारूंगा, हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। परमेश्वर गोग की सेना में भगदड़ मचा देगा, जिससे भाई भाई के विरुद्ध तलवार चलाएगा। और फिर इस पर पुनः विचार किया जाएगा, परमेश्वर कहता। पांचवी बात, मैं अभी केवल आपको बाइबल के पद समझा रहा हूं, फिर मैं जाऊंगा गोग जो रूस है उसके लिए क्या भविष्यवाणी। पांचवी बात, 39 अध्याय के 116 पद में, इस अंश में गोग और उसकी सेना के पतन का विस्तृत वर्णन। पद दो में विचार व्यक्त किया गया है कि परमेश्वर गोग को बाध्य करेगा कि वह इसराइल पर आक्रमण करे। संसार के इतिहास की समस्त घटनाएं जीवन परमेश्वर के अधीन है। 39वें अध्याय के 3 से 5 पद में गोग की सेनाएं निर्बल हो जाएंगी और इसराइल देश में मारी जाएंगी। इस युग में ये बड़े दुर्भाग्य की बात मानी जाती थी कि किसी व्यक्ति के शव का
उचित दफन ना होना और मैदान में पड़ा रहे, वो क्योंकि ये अनुचित माना जाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की आत्मा चैन नहीं पा सके। 39 के छठवें पद में परमेश्वर की नष्ट करने वाली शक्ति गोग के देश मागोग तक पहुंचेगी। 39 के 7 और 8 में है, या इसके नबी अपने प्रिय विषय दोहराते हैं, परमेश्वर गोग और उसकी सेना को नष्ट करने के द्वारा अपनी प्रजा इसराइल के बीच अपना नाम पवित्र ठहराएगा। 9-10 में इसराइली लोग, ये मैं गोग और मागोग की लड़ाई बता रहा हूं जो हरमगदोन तक ले जा रही है, लिखा है इसराइली लोग 7 वर्ष तक गोग की सेना के हथियार जलाएंगे, ईंधन के रूप में उन्हें काम में लेंगे। ये संकेत है कि गोग की सेना कितनी विशाल होगी। 39 के 11 से 16 में गोग और उसकी सेना को मिट्टी देने का वर्णन है कि ताल के पूर्व की ओर, इसका अर्थ है मृतक सागर डेड सी के पूर्व की ओर उनके लिए कब्रिस्तान, इसराइल की भूमि की सेवा सीमा के बाहर होगा। इस प्रकार इसराइल की भूमि अन्य जाति के शवों के कारण अशुद्ध नहीं होगी, दफनाने में भी 7 महीने लग जाएंगे। इसके बाद लोग नियुक्त किए जाएंगे कि वे सारे इसराइल देश में देखे कि कहां गोग और उनके मरे सैनिकों की हड्डियां पड़ी है, उनको बीन कर वे वही ताल के पूर्व की ओर मिट्टी देंगे। एक भी हड्डी इसराइल देश की भूमि पर नहीं रहने पाएगी, इस प्रकार देश अशुद्ध होने से बच जाएगा। यशाया ने भविष्यवाणी की थी उन हड्डियों के बारे में, परमेश्वर ने कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, वो इसराइलियों के लिए था, लेकिन ये उन सेनाओं के लिए जो गोग की। 6वीं बात 39वें अध्याय के 17 से 20 पद में विचारों को आगे बढ़ाया गया है। दर्शन में यह स्केल देखता है, भविष्यवाणी करता है कि शवों को गाड़ा जाता है और कहा गया है शवों को वन पशु खाएंगे, जो नहीं गाड़ पाए उनको वन पशु खाएंगे। प्रियो, परमेश्वर वन पशुओं को बुलाता है और एक यज्ञ करता है, गोग की सेना का बलि चढ़ाया जाता है और उसमें सम्मिलित होना है। पद में वन पशुओं को भी वो मारेगा और वन पशु वो है मनुष्यों का रक्त पिएंगे, लेकिन उन्हें इसराइली लोगों को रक्त पीने की मनाही हो। पढ़िए आप बाइबल 39:19 में, मैं एकत्र वन पशुओं को मरे हुए का रक्त पीने का आमंत्रण दिया गया है, इसराइली लोगों को रक्त पीने की मनाही थी। इस प्रकार इन पदों में इसराइल के बलि विधान का एक भयंकर और भीष्म चित्र बताया गया। आज भी मसीहों को लहू खाने की मनाही है, अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं ये खत्म कर लूं। आखिरी बात, 7वीं बात जो मैंने ऊपर बताया उसका संदर्भ है सपन्या 1:7-7, यशाया 34:5-8, प्रकाशित वाक 19:17-21। और आखिरी बात जो बताने जा रहा हूं, इन पदों का जो 2 अध्याय है 38 और 39
में 21 और 22 पद का भी अन्य जातियों को ज्ञात हो जाएगा कि इसराइल के वंशज क्यों बंधुआई में गए थे। ये बंधुआई परमेश्वर की दुर्बलता के कारण नहीं बने, इसराइली वंशज के पाप और विश्वासघात के कारण आई थी। 23 और 24 पद कहता परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से लौटा ले आएगा और उन देशों में जिन्होंने इसराइल में के लोग जो तितर बितर हुए थे उनको अपने देश में लौटा ले आएगा। वो अपना मुख उसकी ओर फिर कभी ना फेरेंगे और परमेश्वर अपनी आत्मा उन पर उंडेलेगा। ये तो मैंने आपको सारांश में बता दिया है। अब हम गोग की बात करते हैं और मागोग की बात करेंगे। रूस, देखिए मैं आपको बता दूं, मागोग जो बताया गया है एक बार सुन लीजिए आप, वो सेंट्रल एशिया के बात को दर्शाएगा। मेशेक तुर्की, तुबल तुर्की, फारस ईरान, इथोपिया या कूश सूडान को कहा गया है, लीबिया पूत को कहा गया है जो लीबिया है, गोमेर तुर्की में पाया जाता है और बेग तो गर्मा तुर्की, यानी तुर्की अभी आएगा। अभी आपको अब मैं डिटेल में ले जा रहा हूं, समय भाग रहा है, आशा करता हूं आज ही मैं पूरा कर दूंगा। ये बहुत से लोग आश्चर्यचकित होंगे कि अंत के समय की बाइबल भविष्यवाणियां में रूस का नाम भी महत्वपूर्ण है। कई रॉन्ग टीचिंग चल रही है कि ये रूस नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बाइबल से ही सिद्ध कर दूंगा कि ये क्यों होगा। भविष्यात में यह भविष्यवाणियां है कि खुखार रूसी रीच अंत के दिनों में इसराइल पर भयानक धावा बोलेगा। यह एजकेल 38 और 39 को पढ़िएगा, अध्याय की बात। लगभग 2600 वर्ष पूर्व यह एजकेल नबी ने यह भविष्यवाणी की थी कि आखिरी दिनों में इसराइल पर सुदूर उत्तर की ओर से हमला किया जाएगा। यह एजकेल 38:6-15। सोवियत संघ के विघटन होने पर बहुत से लोग ये सोचने लगे थे कि इस विशाल काय रीच को स्थाई शीत निंद्रा खा गई है, लेकिन आज का रूस रीच पहले से कहीं ज्यादा खुखार और खतरनाक। अपनी आर्थिक बर्बादी के बाद अब वो भुक्कड़ भालू की भांति भयानक हो गया है। सोवियत संघ के विघटन के बाद आज का रूस और रीचनी के समान है जिसके बच्चे छीन लिए गए हैं। रूस के बारे में ईश्वरीय भविष्यवाणियों का पूरा होना अब पहले से और ज्यादा करीब हो गया यह नजर आता। इस रीच के अंतिम दिनों में पद चिन्हों की तलाश हमें इसराइल में ही पहुंचाती। यदि आप अध्ययन करें इनके इस पद चिन्हों की खोज में हम 5 बिंदुओं पर विचार करूंगा मैं, या आपके बीच में रखूंगा। पहला है नाम जिसको लेकर भ्रांति है, दूसरा है मित्र राष्ट्र जो इसके सहयोगी होंगे, तीसरा है गतिविधियां, ये क्या गतिविधियां करेगा, चौथा है विनाश, क्या विनाश करेगा और इसका कैसे विनाश होगा, और पांचवा है परिणाम, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो पहला मैं ले लेता हूं नाम। बाइबल में रूस का जिक्र यहेजकेल 38:2 में है जहां इब्री भाषा का प्रयोग हुआ है रोश। इस शब्द का अर्थ है सिर, शिखर, उच्च या प्रधान। सामी भाषाओं का
ये एक सामान्य शब्द है। अपने मौलिक रूप से तथा इससे बने अन्य शब्दों के रूप में पुराना नियम में शब्द का लगभग 750 बार इस्तेमाल हुआ। यह स्केल 38:2 में इस इब्रानी शब्द को एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में अनुमोदित किया जा सकता या फिर एक विशेष विशेषण के रूप में। यही समस्या का कारण। कई अनुवादक शब्द को एक विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं जो प्रधान या मुख्य होगा, शासक होगा लिखते हैं, परंतु बेहतर अनुवाद यह होगा कि इब्रानी शब्द का एक व्यक्ति सूचक संज्ञा या वाचक संज्ञा अर्थात एक विशिष्ट स्थान का नाम मान ले, क्योंकि इब्रानी भाषा का इब्रानी भाषा के सुविख्यात विद्वान श्री सी एफ कील एवं विलहेम गेसेनियस भी इसी बात का समर्थन करते कि एच के 38:2-39:1 में जो रोश शब्द एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है, इसके अतिरिक्त पुराने नियम का यूनानी अनुवाद समतागिकता भी इसी बात की पुष्टि करता। श्री विलहेम गेसेनियस नामक विद्वान ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि रोश शब्द रूस के लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ यानी उपयोग में लाया गया। इस विद्वान के अनुसार 10वीं शताब्दी के कस्तुस नतुनियाई यानी रोमन राज की भूतपूर्व राजधानी के लेखकों ने भी रूस क्षेत्र के लोगों के लिए रोश शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए नाम का भ्रांति न पाले, रोश को रूस समझे। दूसरी बात, मित्र राष्ट्र। अंत के दिनों में रूस की सत्ता गोग नामक एक ऐसे शासक के हाथ में होगी जो अपने अधिकार एवं सत्ता के दिखावे के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। कुछ भी। एस्ताना शाह अर्थात गोग के बारे में अगले अध्याय में और अधिक विचार किया गया। इस रूसी शासक यानी गोग के साथ अन्य कई राष्ट्र एकजुट होंगे, ऐसा बाइबिल कहती। यह एचकेल 38:9। तू अपने सारे दलों और अपने अनेक जाति के लोगों सहित शब्दों का सही इशारा। यह रूस के साथी राष्ट्रों का एक विशाल सैन्य दल होगा। यह एचकेल 38:1-6 8 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का नाम आया है जो मैं आपको बता रहा हूं। मागोग भौगोलिक क्षेत्र, सेंट्रल एशिया, मेशेक तुर्की, तुबल तुर्की, फारस ईरान, इथोपिया या कूश सूडान, लीबिया या पूत लीबिया, गोमेर तुर्की, बेतुमरगा तुर्की। ये बाइबल से सिद्ध है यानी प्रमाणित किए गए। इस विवरण से यह साफ हो जाता है कि इन दिनों रूस के 5 प्रमुख सहयोगी राष्ट्र होंगे तुर्की, ईरान, लीबिया, सूडान और सेंट्रल एशिया के देश सार्वजनिक। किंतु सत्य बात यह है कि इनमें से लगभग सभी देश इसराइली विरोधी देश हैं और ईरान, लीबिया, सूडान तो इसराइल के सबसे कट्टर विरोधी देश माने जाते हैं।
इनमें से अधिकतर देश परस्पर शक्ति संबंध को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। भविष्यात में प्राप्त विभिन्न देशों की ये सूची अत्याधुनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं की प्रमुख ताजा खबर होगी। आने वाले समय में इन देशों द्वारा एकजुट होकर इसराइल पर धावा बोलने की बात कल्पना से परे नहीं, यानी ये देश मिलकर इसराइल पर धावा बोलेंगे। अभी नहीं, अभी जो लड़ाई चल रही है वो गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, लेबनान से चल रही, सीरिया से चल रही। लेकिन प्रियो, अभी इसराइल इसमें जीत हासिल करेगा। अब मैं तीसरी बात बताना चाहता हूं, गतिविधि क्या करेंगे ये लोग, क्या सोच है इनकी, वो हम देख लेते बाइबल के अनुसार। यहेजकेल भविष्यवक्ता के अनुसार रूस की अगुवाई में ये सब देश इसराइल पर उस वक्त आक्रमण करेंगे जब वहां शांति एवं संपन्नता होगी। यहेजकेल 38:8-12। ये सम्भवतः ग्रीस काल के पूर्वाधा का समय होगा। केस काल के पूर्व, जो हमारा क्लेश काल है उसके पूर्व होगा और वो हो रहा है, जबकि इसराइल एवं ख्रीस्ट विरोधी के बीच संधि लागू होगी। ये बाद में होगी, अभी वो बात नहीं आई। रूस एवं उसके मित्र राष्ट्र इसराइल पर आंधी तूफान की तरह आक्रमण करेंगे, अभी नहीं बाद में, और बादलों की भांति सारे देश पर छा जाएंगे। 38:9, रूस एवं सहयोगी देशों के इस आक्रमण के चार प्रमुख कारण होंगे। अभी रूस कह रहा है मैं आऊंगा, लेकिन वो अभी तो यूक्रेन से लड़ रहा है, अभी नहीं आज। क्या कारण होंगे? पहला कारण होगा यहेजकेल 38:11-12, इसराइल की धन संपत्ता हड़पने हेतु। इसराइल संपन्न देश, पैसे वाला देश, खनिज वाला देश, हाईली टेक्नोलॉजी वाला देश, उसको हड़पने या अपने कब्जे में करने। दूसरी बात, मध्य पूर्व पर नियंत्रण करने के लिए। तीसरी बात, इसराइल को चकनाचूर करने के लिए, क्योंकि ये देश इसराइल से घृणा करते। चौथी बात, ख्रीस्ट विरोधी की अधिकार सत्ता को चुनौती देने के लिए। दानियल 11:40-44। और अब मैं चौथी बात जो बताने जा रहा हूं वो है विनाश। अभी गतिविधियां हैं, बता दिया चार कारणों से ये उन पर चढ़ाई करेंगे, तो विनाश की बात कही है। रूस एवं उनके मित्र राष्ट्रों द्वारा इसराइल पर यह हमला बेहद असमानता का आक्रमण होगा। सामान्य रूप से नहीं होगा, बेहद असमानता का, साम दंड भेद जैसा भी हो। इसकी तुलना में इसराइल पर अरब देशों द्वारा सन 1967 एवं सन 1973 के हमले बहुत ही हल्के लगेंगे। जब एक बार 1967 में जब सिक्स डे वार हुआ, और आप जानते हैं कि कैसे इसराइल उन पर विजय हुआ, ये ऐसे हल्के मुल्के झगड़े नहीं होंगे। अंतिम दिनों में रूस द्वारा इकट्ठा की गई ये आक्रमणकारी फौज इतनी विशाल व व्यापक सैनिक दल, बल, अस्त्र, शस्त्र के साथ होगी
जैसे कि जमीन पर से इसराइल का नाम निशान मिटा दे। आपको मालूम है होती हमास हिजबुल्ला, ये आपको लग रहा है ईरान के अंडर में, लेकिन जब आप बैकग्राउंड में जाए तो ये रूस के अंडर, रूस इनका समर्थन करता है। कभी बाइबल ध्यान से पढ़िए और नोट करिएगा, संसार की सारी परिस्थितियों पर परमेश्वर का पूर्ण नियंत्रण है। जब गोग उस दिन इसराइल के देश के विरुद्ध आक्रमण करेगा तो ऐसा होगा कि मेरी जलन भी, ये परमेश्वर कह रहा है, मेरे क्रोध में भड़क उठेगी, प्रभु यहोवा की ये वाणी। 38:18, परमेश्वर अपनी असहाय प्रजा को बचाने का अवश्य प्रबंध करेगा। वह इन चार प्रकार के साधनों द्वारा रूस एवं उनके सहयोगी आक्रमणकारियों का विनाश करेगा। देखिए परमेश्वर कैसे इसराइलियों को बचाएगा, जिसमें से 144,000 इसराइली बचेंगे जो प्रकाशित वाक्य में दिया गया। पहला, बहुत बड़े भूकंप के द्वारा, यानी इतना बड़ा भूकंप आएगा कि शायद उसमें सेना ही समझ जाए। विभिन्न देशों की हमलावर सेनाओं को परस्पर लड़ाने के, यानी आपसी झगड़े करवा देगा, जैसे गिदोन के समय में कराया। बीमारी द्वारा, यानी वायरस और नाना प्रकार की बीमारियां फैला देगा। ये परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो बाइबल में लिखा। और चौथा, प्रचंड वर्षा, ओले, अग्नि एवं गंधक द्वारा, यह इसके लड़ते 20-22, तब परमेश्वर उन्हें बचा लेगा। प्रियो, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? युद्ध हरमगदोन का युद्ध कहलाएगा। मैं अभी उस पर टच नहीं कर रहा लेकिन बता दे रहा हूं, इसका परिणाम होगा पशु पक्षियों का आहार, मांसाहारी पशु पक्षियों के लिए एक बहुत भोज जैसा वातावरण होगा, क्योंकि वहां लाशें ही लाशें होंगी। अभी 10-15 हजार इसराइलियों वाले वो लाशों में गिनती नहीं है, लगनले हैं। लिखा यह 39:4-5, 17-20, प्रकाशित वाक 19:17-18 लिखा है पवित्र में, इस भोज को परमेश्वर ने अपना यज्ञ भोज और अपनी मेज कहा है, जिसमें पशु पक्षियों को अपने मेहमान के रूप में परमेश्वर बुलाएगा और वे उनका मांस खाएंगे। मृतकों को गाड़ना, परिणाम बता रहा हूं। उन दिनों वहां की जमीन को साफ करने वाले सारे देश में सफाई अभियान चलाएंगे। जहां कहीं कोई हड्डी दिखाई देगी वहां एक खास निशान बना रहेगा, ताकि जब सफाई करने वाले आए तो उस अस्थि अवशेष को गोग दल को गाड़ने के स्थान घाटी में ले जाकर गाड़ दे। ये इतना बड़ा कब्रिस्तान होगा कि वो 7 महीने तक गाड़ते रहेंगे और अपने देश को स्वच्छ बनाते रहेंगे। लिखा है कब्रिस्तान के निकट उस घाटी में सफाई के काम में लगे लोगों के सहायार्थ एक कस्बा स्थापित हो जाएगा और उस कस्बे का नाम हमोन गोग, यानी गोग की भीड़ होगा। यशाया 39:11-12, 14-16। तीसरा परिणाम क्या होगा? अस्त्रशस्त्रों को जलाना, क्योंकि ये संघार क्लेश काल के मध्य में घटित होगा।
यानी 3.5 साल तो वो चुप रहेगा कृषि विरोधी, 3.5 साल के बाद विरोध करेगा, और जब ये प्रभु यीशु मसीह आएगा, लिखा है वो 3.5 सालों तक उन शस्त्रों को जलाते रहे। यह स्केल 39:9-10। और उसके बाद यहूदियों का उद्धार बताया गया, यहूदियों का उद्धार बताया गया। प्रियो, अब मैं अपने कंक्लूजन में बता देना चाहता हूं, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा है। क्लेश काल की मध्यावधि के निकट रूस एवं उसके ऐसे मित्र राज जो इसराइल विरोधी है एकजुट होकर इसराइल पर भीषण आक्रमण करेंगे, जो गोग कहलाता है। इस भीषण आक्रमण की अगुवाई करने वाले को याहिज़केल में गोग कहा। प्रकाशित वाक 20:8 में के अलावा गोग नाम बाइबल में सिर्फ एक ही अन्य स्थल में पाया जाता है, 1 इतिहास 5:4 में। बहरहाल संसार के अंत के दिनों की घटनाओं से संबंधित गोग का 1 इतिहास 5:4 में गोग से कोई संबंध नहीं, यानी पुत्र नू के पुत्र से उसका कोई संबंध नहीं। मैंने पहले भी पढ़ के बताया था, इसराइल के विरुद्ध सैन्य गठबंधन में गोग की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा जो इसराइल से गठबंधन करेगा। अंतिम दिनों की इस महान घटना का नेता भी गोग होगा। अब गोग शब्द का अर्थ मैंने बताया था, उच्च, महान, ऊंचाई या ऊंची पहाड़ी। याहिज़केल ने इसी नाम से पुकारा है। गोग एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो मागोग नामक प्राचीन देश का रहने वाला होगा। मागोग का इलाका भूतपूर्व सोवियत संघ के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। संभवतः गोग किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये एक राष्ट्र है जो स्वयं वो है, एक उपाधि या पदवी है जिसे दर्शाता है, जैसे फिरौन, केसर, जार, राष्ट्रपति और गोग। और गोग को वहां राजकुमार भी कहा गया है। लेकिन कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ लोग भ्रमवश गोग को कृष विरोधी के समानार्थक पदवी देने लगते हैं, जो बात बाइबल मना करती है। वो यह भूल जाते हैं कि गोग प्राचीन रोमी राज के पुनर्गठित देशों को लेकर नहीं, बल्कि रूस एवं इसराइल विरोधी देशों को गठबंधन को लेकर आक्रमण करेगा। और दानियल 11:40 पढ़ लीजिएगा, गोग को उत्तर देश का राजा कहा गया और इसराइल पर उसके आक्रमण करने का अधिकारी ठहराया गया। प्रियो, जो मैं यहां बताना चाहता, आज ये लड़ाइयां परमेश्वर के आने का संकेत दे रही है, प्रभु यीशु मसीह के आने का संकेत दे रही है। आज हमारी कलीसिया क्या तैयार? आज हमारी कलीसिया भी गोग और मागोग की लड़ाई लड़ रही है। आप जानते हैं, सुना कभी आपने? यदि आपको पवित्र करना है तो शैतानी शक्तियों से लड़ना, शैतान को ही हमें हराना है, जिसकी शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दी, उसके लहू से शुद्ध पवित्र किया है, ताकि हम इन लड़ाइयों को, लिखा हमारा मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं है, अंधकार की शक्तियों का है, जो गोग है,
मागोगिक संसार को और कलीसिया को बताया गया है जो यहाँ है, जिस पर हम रह रहे हैं। गोग ऐसा व्यक्ति है जो अंधकार की शक्तियों का राजा है, जिसे इब्लीस कहा गया है, शैतान कहा गया है। कलीसिया को बर्बाद करना चाहता है, मसीही परिवारों को बर्बाद करना चाहता है, समाज को बर्बाद करना चाहता है और परमेश्वर से दूर रखना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आऊंगा और कलीसिया को उठाऊंगा और उसे उसका बदला दूंगा। प्रियो, हमें तैयार रहना है। यदि हम तैयार नहीं रहते तो हम शैतान के जाल में फंस जाएंगे। कई लोग डर रहे हैं, जो लड़ाई चल रही, कई लोग डर रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, अणु बम पटक दिया जाएगा, परमाणु बम मार दिया जाएगा। प्रियो, बाइबिल पढ़िए, पढ़िए बाइबिल और ध्यान से पढ़िए कि परमेश्वर ने क्या अपने लोगों से, भविष्यवक्ताओं से भविष्यवाणी कराई। देखिए, अभी सब कुछ शांत। आज परमेश्वर ने इसराइल के व्यक्ति को जो संचालन कर रहा है नेतन्याहू, उसके दिमाग में बैठा दिया है, मुझे हमास को खत्म करना है। वो रुक नहीं रहा। फिर हिजबुल्लाह का नंबर आएगा, फिर हुती का आएगा और उसके बाद रोष। बहुत अभी लंबी लड़ाई, ये छोटी मोटी लड़ाई है। हम जीवन में घबरा जाते हैं, लेकिन जब शैतान जो संसार का राजा है आकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, फिर हम कैसे लड़ेंगे? ये बैटल जो हमें दिया गया है इस संसार में रहकर, कि आज मसीह सताए जा रहे हैं, पादरी लोगों को बंद कर दिया जा रहा है, नाना प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं, ये तो बाइबल कहती है। आज सबसे जरूरी है, अगर हम शैतानी शक्तियों पर विजय प्राप्त करें तो घुटनों पर जाकर प्रार्थना करें, रो रो कर प्रार्थना करें, इसराइल के लिए प्रार्थना करें, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बचाएगा और अपनी आशीष उंडेलेगा। आइए हम प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो तूने हम सबों को दिया है, कि प्रभु जी हम तेरी गुण बातों को समझ सके, गोग और मागोग के बारे में प्रभु जी तो हमारी बुद्धियों को खोल दे। क्योंकि जब हम लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं, भविष्यवाणियों का पूरा होना देखते हैं, प्रभु जी हमें तैयार कर, ओ प्रभु जी कलीसिया को जो तेरी दुल्हन है तैयार कर, उसे पवित्र कर, ताकि जब तू आए तो वो उठाई जाए। हम यदि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कितने लोग हैं जो इन बातों को नहीं समझते और आज भी संसारिक वस्तुओं पर मन लगाए हुए हैं, होने दे वो तेरी शक्ति सामर्थ और तेरे दान वरदानों पर मन लगाएं। क्योंकि लिखा है, अंत के दिनों में मैं पुत्र और पुत्रियों पर आत्मा उंडे लूंगा। हम धन्यवाद देते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, इस ऑनलाइन सर्विस के लिए और जितने जुड़े उन सबों को आशीषित करना। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, यीशु नासी के नाम से मैं डांट देता हूँ, हर एक बीमारी हर एक दुर्बलताएं जाती रहे। यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु नासी के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा उनके शरीर को छोड़कर जाती रहे और तेरे लोग स्वतंत्र हो जाए। क्योंकि लिखा है, सत्य ने तुम्हें स्वतंत्र किया है और वो यीशु है। प्रभु जी हम सबों को आशीष कर और कल के पवित्र दिन के लिए हमें तैयार कर, ताकि हम तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी महिमा करें। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।